हेलो टू एवरीवन। तो भाई लोग मैं होप करता हूँ आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और व्लॉग विद जाट की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई लोग आज हम बात करेंगे कि भाई सीएसडी से कार या बाइक निकालनी है तो उसके लिए फॉर्म कैसे फिल होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप से वहां से जाकर देख सकते हो और पता कर सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं सीएसडी से हम कार एंड बाइक निकालते हैं तब। तो छोटा सा काम हमेशा की तरह करना है, जो आप भूल रहे हैं आजकल, हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द नोटिफिकेशन बेल, हिट द लाइक बटन। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। आई होप अब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक और देखना, काफी मजेदार वीडियो होने वाली है। तो भाई लोग सबसे पहले मैं आपको चीज बताऊं ना, ये फॉर्म फिल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे ना तो काफी मजेदार वीडियो है और सब कुछ आपको समझ आ जाएगा क्लियरली। तो सबसे पहला जो हमेशा की तरह आपको काम करना है, वो करना है आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। ऑफिशियल वेबसाइट आप अपने अकॉर्डिंग गूगल पे आप देख सकते हो, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर सिर्फ क्लिक कीजिए, आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। जब ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेंगे तो आपको सामने दिख रहा होगा शॉप नाउ का, शॉप नाउ पे आपको क्लिक करना है और थोड़ी सी मेहनत करनी है, स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और अपने आप को रजिस्टर और कर लेना है। तो भाई ये हो गई हमारी पहली स्टेप के रजिस्ट्रेशन तक का सफर कैसे तय होगा। अब सबसे पहला जो हमें काम करना है वो करना है जो कैंटीन कार्ड में बोल्ड लेटर्स में जो नाम लिखा हुआ है ना उसको लिख, सेकेंड कॉलम में जो कैंटीन कार्ड है उस पर एक कार्ड आईडी डली होगी अल्फाबेट्स और नंबर्स में, उसको भी सीधे सीधे छाप दो सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में बेसिकली जो आपके कार्ड की बैक साइड है उस पर एक नंबर लिखा होता है, उसे हम जो कार्ड है उसकी चिपका नंबर बोलते हैं, उसे भी थर्ड कॉलम में आप छाप दो। बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं छापने का, इन द सेंस कि आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, दिक्कत गलत मत लिखना, बस इतना है कि अगर आप वहां से देख रहे हो तो उस चीजों गलत मत लिखना, क्योंकि फिर बाद में आप ही को दिक्कत होगी। और ये स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको अगर बेसिक्स आपको नहीं पता है, मतलब नॉर्मली कि आप क्या के कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, तो मैं इन सब चीजों को बता रहा हूं। फोर्थ कॉलम में डालना है आपको अपना मोबाइल नंबर जिसपे आपका ओटीपी आए, और बेसिकली भाई वो मोबाइल नंबर डालना जिसपे आप एक्टिव रहते हो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जितनी भी डिटेल्स आएंगी वो सब आपके मोबाइल नंबर पे आएंगी, मैसेज आएगा सारी डिटेल्स, तो मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डालना और अपना ही डालना है, किसी और का डाल के क्या ही कर लोगे, अपना आएगा तो अपने भी तो मैसेज। अब नेक्स्ट वाले कॉलम में आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डालना है, बेसिकली आप रिटायर्ड हैं या सर्विंग है, मतलब लिखना कुछ नहीं है, बस आपको क्लिक कर देना है और अगले ही स्टेप में आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो उस पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ क्लिक करना है। तो वैसे आप फॉर्म आपके सामने चल रहा होगा तो आप देख सकते हो, अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछोगे, मैं आपको हर चीज का आंसर दूंगा, टेंशन मत लो, लास्ट तक फॉर्म फिल करेंगे और गाड़ी तो उठाएगा। तो भाई लोग सिक्स्थ कॉलम में आपको भरनी है डेट ऑफ बर्थ, बेसिकली सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम है, और जब आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग भरनी है, और अगर आप हो रिटायर्ड ऑफिसर तो आपको डालनी है डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब डेट ऑफ रिटायरमेंट तो बेसिकली आपको पता ही होगी आपके कार्ड वार्ड पे होगी, और रिटायरमेंट के जो लोग होते हैं उनका थोड़ा प्रोसेस अलग होता है, अगर वो वाली वीडियो भी चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी जल्दी लेगा। अब भाई लोग बेसिकली आपको सेवेंथ कॉलम में भरनी है एंटाइटलमेंट कैटेगरी, आप चूज कीजिए और कोई भी क्लिक आप कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। अब भाई लोग पहुंचते हैं एट्थ कॉलम पे, तो एट्थ कॉलम में हमेशा की तरह वो पैन कार्ड नंबर आपको फिल करना है, बहुत इजी है, पैन कार्ड नंबर देखो कॉपी पेस्ट, इजी काम। हाँ तो भाई लोग नाइन्थ कॉलम में आपको डालना है नेम, कोई भी नेम, जैसे बेसिकली मान लो आपका नाम है सुरेश, तो ऐसा नहीं हो आपने सुरेश डाला तो और कोई भी सुरेश हो सकता है, तो कुछ ऐसा यूनिक से डालना लाइक सुरेश जी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसी से कुछ मिलता जुलता नाम, तो ये थोड़ा नाम का सीन है, क्योंकि ऐसा होना सेम नेम के भी होते हैं, तो बस वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगली स्टेप में आपको डालना है आपका ईमेल एड्रेस जो कि चालू हो, क्योंकि कैंटीन से रिलेटेड सारे ईमेल्स आपको उसी पर आएंगे, वर्किंग ईमेल एड्रेस ही डालना, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत हो, चेंज करना पड़े, बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इस चक्कर में कोई वर्किंग ईमेल एड्रेस ही आप उस पर डाल। नेक्स्ट स्टेप में आपको बनाना है पासवर्ड, और मैं जानता हूं आपको पासवर्ड बनाना बहुत अच्छे से आता हो, क्योंकि फोन्स वगैरह पे सब पासवर्ड लगाते हैं। अब 8 कैरेक्टर का आपको पासवर्ड बनाना है जिसमें आपको नंबर्स, कोई अल्फाबेट्स और जो सिंबल्स होते हैं स्टार, हैशटैग, एट द रेट, वो सब यूज करना, उससे रिलेटेड आप कोई भी पासवर्ड बना सकते हो, और इन सारी चीजों को भाई कहीं लिख लेना, मतलब कि जो भी आपने नाम डाला है वो और जो भी पासवर्ड डालो, क्योंकि इन फ्यूचर अगर भूल जाओ तो उससे रिलेटेड है, उससे अच्छा कि कहीं लिख लो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, कि अगर कभी दिक्कत आती तो वहां से उन्हें देख सकते हैं, बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको याद रहता है तो वेल एंड गुड।
नेक्स्ट स्टेप में आपको आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, वो कोड आपको फॉर्म में फिल कर देना है। उसके बाद आपके ईमेल पे एक अप्रूवल मैसेज आ जाएगा। अगर इन केस वो अप्रूवल मैसेज एक या दो दिन में नहीं आता है तो समझ जाना फॉर्म भरने में कोई दिक्कत कर दी है। इस वीडियो को दोबारा देखना, दोबारा फॉर्म को भरना, देखना कहां गड़बड़ हुई है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूं कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो मैं होप करता हूं कि शायद ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है आपके लिए। अब मुझे कोई बताने वाला नहीं था, बट मैं आपको बता रहा हूं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई लोग। अब बिल्कुल लास्ट स्टेप, अब आपको कराना है अप्रूव। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो वेबसाइट पे नंबर दिया होगा ना कैंटीन का, आपको उन्हें कॉल करते रहना है, क्योंकि वो काफी बिजी होते हैं, तो मे बी कभी कभार फोन ना लगे। और अभी कुछ टाइम पहले सर्वर भी डाउन था उनका, तो आप ट्राई करते रहिएगा। जब उनका फोन उठ जाए तो आपसे डिटेल्स पूछेंगे, तो आप उन्हें सही से अपनी सारी डिटेल बता दीजिएगा। और इस पोर्टल पे जो है वो आईडी केवल एक ही बार बनती है, तो आप इसे इस आईडी को कभी भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को भाई बिल्कुल भी मत बोलना। बाकी जब आपकी सारी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी तो लास्ट स्टेप, आपका ये फॉर्म फिल हो चुका है। अब बेसिकली आपका सीएसडी कैंटीन जो है उसमें रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बट अभी बुकिंग वाला प्रोसेस रह गया है, तो उसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। अभी तक आप ये वाला प्रोसेस पूरा कीजिए, फिर हम मिलते हैं आपसे जल्दी। अब भाई थोड़ा शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, मैं वीडियोस और जल्दी जल्दी लाता रहूंगा, तो शायद आपको भी थोड़ी हेल्प हो जाए, थोड़ी मेरे को भी हेल्प हो जाए। और कोरोना का टाइम है, ये सब काम घर से करना ज्यादा बेटर है। तो भाई लोग आज की वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो भाई शेयर कर देना, और भी लोगों की हेल्प हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।